हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है, टाइम बताऊँ तो 7 बज रहे थे। वैसे मैं और मेरे हस्बैंड 6:30 बजे उठ गए थे, फिर बालकनी में बैठ के चाय वगैरह पिया, तभी मैं ये मिर्ची का पौधा मुझे दिखा कि उसमें मिर्ची निकलने स्टार्ट हो गए, तभी मैंने कहा चलो थोड़ा सा उसका भी वीडियो बना लेते हैं, आप लोग साथ शेयर करती हूँ। तो मिर्ची के पौधे के साथ मिर्ची भी निकलने स्टार्ट हो गए और बस बालकनी में चाय वगैरह पीने के बाद सीधे आ गए थे काम करने के लिए, क्योंकि आज काम भी बहुत ज़्यादा है। बट ज़्यादा आज काम नहीं करूँगी, घर का जो रोज़ का काम रहता है, बट जो बेसिक काम मैं झाड़ू पोछा वही सब कर लूँगी, कपड़े वगैरह धोने ही पड़ेंगे। बट आज जो डीप क्लीनिंग बोलते हैं वो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज ना बहुत सारा ऐसे भी एक्स्ट्रा काम है, क्योंकि आज बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं और इस बार सबसे अच्छी बात है कि मम्मी भी आ रही है साथ में, तो सबसे आपको मिलवाएंगे ही, आप लोग सबसे मिलिएगा। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा लिया, और जैसे आज काम बहुत ज़्यादा है ना, तो हम 4 जने सब आपस में काम बांट लेते हैं, क्योंकि आज छुट्टी भी है, नंदनी का ऐसे ट्यूशन है, तो वो बस थोड़ा बहुत हेल्प करके उसके बाद नहा के उसके पापा जाएंगे उसको ट्यूशन छोड़ने, और प्रियांशी का पेपर है मंडे को, तो उसका 2 दिन की छुट्टी है, तो वो भी घर में, तो बस उसको भी मैंने बोला है कि थोड़ा बहुत हेल्प करके नहा के सीधे पढ़ने बैठ जाए। तो चलिए ये सब काम करके मैं भी नहा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। इधर सारा कुछ काम वगैरह हो चुका है और नंदी का ट्यूशन था तो नंदी ट्यूशन गई हुई है, इधर प्रियांशी पढ़ाई कर रही है, वो देखिए तो प्रियांशी पढ़ाई कर रही है क्योंकि इसका पेपर है मंडे को, अभी पेपर नहीं हुआ है, लास्ट पेपर ही है। और ये गए नंदनी को छोड़ने, बाकी तो झाड़ू पोछा भगवान का पूजा नहाना ये सब कुछ हम कर चुके। मैं भी अभी तक तो नहा के पूजा करके आई हुई हूँ और आज है ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मण भोजन इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो हमारे में साल भर जैसे छाया होता है तो आज फिर है वही, तो क्योंकि जब एकादशी होता है तो एकादशी के दूसरे दिन होता है, तो कल एकादशी था तो आज है उनका, तो बस फटाफट से ना ब्राह्मण भोजन के लिए जो है सो। और इस बार सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बार मम्मी हैं, अब बहुत दिन के बाद मम्मी से मिली हूँ, बहुत दिन के बाद। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग गए थे मम्मी को लेने, फिर भैया के यहाँ ही उस दिन हम पूरे दिन घर का तो ऐसे कुछ भी काम नहीं किया, तो पूरे दिन ही भैया के यहाँ, रात में मैं 10-11 बजे आई हूँ वहाँ से, छोटी सिस्टर वहीं रुक गई थी, तो आज अभी सब सारी 11:10 बजा है और मम्मी ने बोला था कि तुम बस घर का काम वाम कर लेना, खाना कुछ मत बनाना, मैं आऊँगी। और हम लोगों को बहुत दिन हो भी गए, खास करके मुझे, क्योंकि मैं छुट्टियों में गई भी नहीं थी, तो मुझे जो है सो मम्मी के हाथ के खाने का बहुत दिन हो गया, तो मैंने सोचा चलो मम्मी ही आज बनाएंगे सब कुछ, थोड़ी बहुत जो हेल्प करनी रहेगी वो तो करेंगे ही। तो बस मम्मी भी आ रही हैं, छोटी सिस्टर, बीच वाली सिस्टर, मतलब सारे ही आ रहे हैं, और जो भी रेसिपी बनेगी सब कुछ तो डिटेल में एकदम से शेयर नहीं कर सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पर क्या क्या बनेगा और क्या नियम होते वो तो आप लोग साथ में शेयर कर चुकी हूँ ब्राह्मण भोजन में, फिर भी जो आज पूरे दिन होगा वो सब कुछ आज शेयर करूँगी। तो चलिए मैं तो अभी फ्री हूँ नहा के सब कुछ, बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ, फिर वो भी आ रहे हैं, निकल गए हैं, तो बस फटाफट से अब उनका वेट करते आने का इंतजार कर रही हूँ, आते हैं उसके बाद फटाफट से जो भी खाना वगैरह बनेगा सब कुछ शेयर करेंगे। चलिए ठीक है फिर। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने, मम्मी आ चुकी है और मम्मी अभी देख रही हैं जो मैंने वाटरफॉल बनाया ना, वो देख रही हैं वो, क्योंकि जब मैंने ये बनाया था उनको वीडियो कॉल पे दिखाया था तब भी ये बहुत खुश हुई थी, अभी सामने से देख रही हैं ये लिप्पन आर्ट सब कुछ उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने आप लोगों को शेयर भी किया है कि मेरी मम्मी बचपन से ही उनको था कि पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी ज़रूर सीखो और करो। तो चलिए फिलहाल तो मम्मी देख घूम के फिर दूसरे कमरे आई हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मम्मी ना मेरे घर में आई नहीं थी, तो वो आई हैं यहाँ देख रही थी, जब देख वेख लिया तो फिर सीधे किचन में आ गई, क्योंकि एक दो सब्जी मैंने बना लिया था और बाकी जैसे बड़ी मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं, टेस्टी बनाती हैं, तो बड़ी मैंने मम्मी के लिए छोड़ के रखा था कि वही बनाएंगे। और आप सभी को जैसे मैंने बताया कि आज ब्राह्मण भोजन है, मेरे फादर इन लॉ के बारे में मैंने जैसे बताया था, तो वही आज छाया है, तो उसी की तैयारी हो रही है। ब्राह्मण सब उस कमरे में बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम चारों आदमी लगे हुए हैं, मम्मी, हम तीनों बहन। हर बार आप लोगों ने हम तीनों बहन को ही किचन में देखा होगा, इस बार आप मम्मी को भी देख लीजिए। तो बस हम सब मिलजुल के ही काम करते, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। तो बस फिलहाल यहाँ पे देखिए मम्मी कर रही हैं बड़ी की तैयारी, उधर चावल चढ़ा है और परवल आलू की सब्जी वो मैं बना चुकी हूँ, डालना बोलते हैं हमारे इधर, तो उसमें कद्दू पीले वाला वो भी पड़ा हुआ है, कटहल सब कुछ ही, तो क्या क्या बना है सब कुछ शेयर करूँगी, बट पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, इसमें से कोई ऐसी चीज़ें होंगी तो जो मैं एक्स्ट्रा आप लोग के साथ कभी बना के ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे तो फिलहाल देखिए बड़ी थोड़ा सा बन गया है, थोड़ा सा इधर छान के, मतलब सभी लगे हुए हैं किचन में, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं। और गर्मी गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, और ये जो हाथ में आप देख रहे थे ना ये तुलसी पत्ता है, जब खाना बन जाता है ना तो तुलसी पत्ता हम उसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ी भी बन चुका है फटाफट से,
बाकी परवल आलू की सब्जी जिसको डलना बोलते हैं वो, ये झुमनी ये मम्मी लेके आई थी गांव में, और ये मैं कम से कम पर मुझे याद भी नहीं कि मैं कितने साल बाद खा रही हूँ, मैं ही नहीं मेरी दोनों बहनें भी भैया भी बहुत साल बाद खा रहे, तो ये सब मम्मी लेके आई थी। फिलहाल यहाँ पे बड़ी बन गया है, ये पिठार है जो चावल का हमारे इधर होता है पकौड़ों के लिए, ये रहा हमारा डालना जो कि बहुत ही देखने में टेस्टी लग रहा था। ये मैंने ही बनाया था क्योंकि जब तक मम्मी आती तो सारा काम नहीं अच्छा लगता है, तो मम्मी ने बोला था कि बड़ी वगैरह या जो झुमनी भुजिया वो सब मैं कर लूँगी, जो तुम बना सकती हो थोड़ा बहुत बना लेना। तो यहाँ मैं तुलसी पत्ता डाल रही हूँ, तो वही हुआ था, मम्मी आई थी तब तक मेरा सारा काम हो गया था, और मम्मी ठीक 10 बजे आ गई थी, और उसके बाद बस सीधा काम में लग गए थे। उससे पहले मेरा झाड़ू पोछा जो भी काम होते एक्स्ट्रा वो कर लिए थे, बाकी थोड़े बहुत काम आज छोड़ भी दिए थे। तो यहाँ पर सब कुछ बन गया, अब आती है पकौड़े की बारी। तो यहाँ पे तो बच्चों के लिए स्पेशली आलू के ही पकौड़े बनते हैं क्योंकि वो लोग और चीज़ के खाते ही नहीं हैं। जैसे हमने बताया था कि ब्राह्मण भोजन में हमारे यहाँ खीर पूरी भी बन सकता है, चूड़ा दही आम भी होता है, और दाल चावल भी होता है, तो इस बार भी हमने डिसाइड किया था कि दाल चावल ही बनाएंगे। तो यहाँ सब कुछ बनने के बाद आपको दिखाते हैं ब्राह्मण भोजन। तो यहाँ पे हमारे ब्राह्मण जल्दी से कैमरा में नहीं आना चाहते, इसलिए अभी नहीं आप लोगों को उनका चेहरा दिखाऊंगी, जब इन लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर सबसे मिलवाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पे ब्राह्मण भोजन हो रहा है, उसके बाद फिर बच्चों का भोजन होगा, फिर हम लोगों का। तो यहाँ पे देखिए कितने प्रकार की चीज़ें बनी हुई हैं, और फटाफट से सारे ब्राह्मण जो है खाना खा रहे हैं, और इसमें से स्पेशली मम्मी इस बार है ना, तो जैसे क्या होता है कि जो जब मम्मी रहती है ना तो बहुत अच्छे से खिलाती हैं, क्योंकि हम लोग को उतना अच्छा होता नहीं है जिद करना या कुछ भी, इस बार मम्मी है तो हम लोग हंसी जाग भी कर रहे थे कि इस बार पूरा प्लेट भरा हुआ है अच्छे से, और मम्मी के कारण सब अच्छे से मतलब सही ढंग से जो बोलते हैं ब्राह्मण भोजन, सच बताऊं तो इसी बार हुआ है, क्योंकि हम लोग को उतना नियम नहीं आता है जितना मम्मी को आता है, वो बता देती हैं फिर भी थोड़ा सा ये होता है ना कि बड़ों का रहना बहुत ज़रूरी है, तो बस वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए सब ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं अच्छे से, यहाँ पे इतने सारे पकौड़े बने थे, अभी बच्चों के भी प्लेट लग रहे हैं क्योंकि बच्चे भी भूखे थे। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं खा सकते हैं पहले, बट सारे बच्चे मैगी वगैरह खा के रेडी हुए थे, मम्मी के पास ही मैगी खा के आए थे, तो इसलिए थोड़ा लेट उनको दिया। तो यहाँ पे मैं आपको मिठाई दिखा रही हूँ, दही और पान, ये तो हमारे मिथिलांचल में बहुत ज़रूरी है ब्राह्मण भोजन में, दही मिठाई पान ज़रूर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि बड़े ब्राह्मण खा रहे हैं, और यहाँ पर इधर दिखाती हूँ आपको कि सारे बच्चे जो एकदम से छोटे हैं जैसे मैथिली हो गई अपनी हो गई, तो इन लोगों को तो मम्मी खिलाती हैं भाभी खिलाती हैं, और जो बड़े बच्चे हैं वो खुद से खा रहे हैं, तो अपनी खा चुकी है जो मेरी छोटी सिस्टर है उसकी बेटी, और वो अपनी नानी के पास लेटी हुई, बच्चे बहुत दिन बाद नानी से मिले हैं, तो सारे ही बच्चे नानी के पास ही एकदम से चिपके रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भागदौड़ लगा रहता है, सारे बच्चे नानी से चिपके हुए हैं। और ये बालकनी वाला साइड वाला कमरा है, यहाँ खा रहे हैं, और हमारे यहाँ नियम, एक तो मेरे पास डाइनिंग टेबल है भी नहीं, दूसरा नियम भी है कि ब्राह्मण भोजन होता है तो नीचे ही खिलाते हैं, और दूसरा हमारे घर में ना सबको ही पसंद है नीचे फर्श हो या ज़मीन पर बैठ के खाना, और बहुत अच्छा लगता है नीचे में बैठ के खाना। डाइनिंग टेबल पे ऐसे है मेरे पास छोटा सा येलो कलर का, आप लोगों ने देखा होगा लुधियाने में, बट मैंने यहाँ पे लगाया ही नहीं क्योंकि नीचे में बैठ के खाने का जो मज़ा है ना वो बिल्कुल ही अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए छोटी सिस्टर भी खिला रही है ऋषि को, वो खुद से खा लेता है, बट थोड़ा सा आज ब्राह्मण का मूड ऑफ था कि नहीं आज मम्मा के हाथ से ही खाना है, तो वो अपनी मम्मी के हाथ से ही खाना खा रहा था। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ दही और मिठाई, जैसे मैंने बताया कि हमारे मिथिलांचल में ये ब्राह्मण भोजन में बहुत ज़रूरी है दही मिठाई पान सुपारी, ये दिया ही जाता है ब्राह्मण भोजन के बाद, चाहे तो हमारे यहाँ जनेऊ हो शादी विवाह हो, तो पान सुपारी दही मिठाई ये तो स्पेशली रहता ही है। तो जब भी मुझे मौका लगता है थोड़ा थोड़ा सा मैं मिथिलांचल का आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग जो मिथिलांचल के हैं जो बिहार के हैं उनको तो पता होगा, जो लोग नहीं है अगर कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी कि हमारे इधर शादी में कुछ ऐसे नियम होते हैं, या तो फिर जनेऊ है मुंडन, हमारे में बहुत सारे वैसे नियम होते हैं। जनेऊ की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, मैंने डाला है, जिन लोगों ने नहीं देखी है तो देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे नियम होते हैं हमारे में। तो चलिए ये तो मिथिलांचल के थोड़े बहुत नियम थे जो मैं आप लोग के साथ शेयर करी थी। और यहाँ पे जब ब्राह्मण भोजन हो गया था बच्चों का भोजन हो गया, तो फिर आती बारी हमारी लेडीज़ की, और कितने सालों बाद हम सारे मम्मी के साथ बैठ के खाना खाएँगे। तो यहाँ पर देखिए मम्मी लगा रही हैं खाना, और मम्मी रहती है ना तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोग मम्मी को दे देते हैं खाना, फिर हम लोग मम्मी रहती हैं तो मम्मी को ये रहता है कि पहले तुम लोग खा लो फिर, वो ऐसा कभी नहीं करती हैं, वो हमारे साथ ही खाती हैं, और उसमें भी पहला प्लेट हम लोग का ही लगाती, तो वही यहाँ पे वो हम सबको पहले बैठा दी हैं और फिर वो लेंगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब मम्मी रहती हैं तो, और सारे बच्चे को देखिए यहाँ पे नानी के आगे पीछे
लगे हुए हैं, तो बस यहाँ पे पहले हम लोग नीचे में बैठ के खाने का, जैसे मैंने बोला ना कि नीचे में खाने का मज़ा ही अलग है, तो बस फटाफट से नीचे में बैठ के खाना खाते हैं। उसके बाद फिर मम्मी से ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें करनी, और खाना पीना करते करते ना डेर बज गया था। हम लोग जो अभी खा रहे हैं तो ठीक डेर बज रहा है, 1:30 हो रहा था फिलहाल, तो टाइम 1:30 तक समझिए हमारा सब कुछ मतलब लेडीज़ का लग गया था खाना। और उसके बाद तो बस लेटना है, बैठ के बातें ही करने हैं, फिर शाम में चाय वगैरह। तो शाम कुछ का शाम वगैरह का तो मैं नहीं वीडियो इसमें ऐड करूँगी, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो डालो तो उसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ तो फिलहाल बस अभी ब्राह्मण भोजन का स्पेशली मैंने वीडियो ये डाला है, तो आप लोगों को ना अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट्स में लिखिएगा कि क्या चीज़ अच्छा लगता है, क्या चीज़ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जो पसंद आए वही चीज़ डालूँ। तो जैसे मैंने अभी डाला था कुछ सूट वगैरह का, मीशो और अमेज़ॉन का अनबॉक्सिंग था, वो मुझे लगा जैसे आप लोगों को बहुत पसंद है और आप लोगों ने देखा भी। तो प्लीज़ अगर उस तरीके का वीडियो भी देखना आप लोगों को अगर पसंद है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं कुछ वैसी वीडियो भी बीच बीच में डालती रहूँगी। तो चलिए फिर कुछ अच्छा सा लेकर आऊँगी, इस वीडियो को फिलहाल तो यहीं पर करते हैं अंत। तब तक के लिए बाय बाय।